अरे भूहार हो के केवट के साथ रहती हूँ, तो उनके लिए अपने गांड में दम है, तो नाम लेके सबको गरिया है और न किसी को कुछ कहेंगे तो गांड में घुसेड़ते हैं। अरे बहुत स्वागत है कि आज आप विष्णु राज के घर पे आए हैं और ये कार्यक्रम के संचालक आपके पूरा कर्ता धरता कैसा लग रहा है? भैया बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले पीजी न्यूज में और ये जितने चैनल हैं, नाम मुझे नहीं पता है, सब चैनल को हम अयोध्या धाम से, मैं अवधि लोक गायक करमचंद देहाती गोर छुके मार प्रणाम बा, सबके नमस्कार बा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चे के जन्मदिन पे हम लोग आए हैं। युवराज मिस्टर विष्णुराज मालती चौहान एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं और एक फेमस नाम है, पूरी दुनिया में इस समय उनका चर्चा है, उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग आए। बहुत अच्छा लग रहा है। गीत संगीत हम पूरी टीम अपना लेकर के आए हैं, पूरा इंस्ट्रूमेंट और साउंड यहीं का है और तब से सोहर भजन गीत सभी चल रहा है। यश के साने आप भी आए हैं और आपका भी एक नाम है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को दिल से धन्यवाद, और हमें निमंत्रित था इसकी वजह से हम और हमारे वाइफ जी आए हैं जी। हमारे भैया कौशल भैया और भाभी का तबीयत नहीं सही था, इसकी वजह से हमारे भैया नहीं आए, नहीं तो हम चारों फैमिली जहाँ जाते हैं तो चारों फैमिली। हाँ वही, उन्हीं की कमी खल रही है। भाभी जी चाहेंगे एक सवाल और आप खड़े रहिएगा। और लगातार गोरखपुरिया भौजी और विष्णु राज के बीच एक विवाद छिड़ा हुआ है, उस कंट्रोवर्सी पर यश के साहनी का बयान क्या आएगा? बयान क्या, वो दोनों लोग पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं आपस में, उस पर आपकी क्या राय है? मतलब क्या आपको लग रहा है कौन सही है कौन गलत है, बस इतना आप क्लियर करिए कौन सही है कौन क्या। हम लोग सच्चाई निकाल लिए हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एक लड़की यहाँ पे आई है बबीता बिहारी जी, और बबीता बिहारी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे साबूत इकट्ठा कर लिए हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप भी मिली है। लेकिन यश के साहनी क्या कहना चाहेंगे, ये भी बड़े यूट्यूबर है गोरखपुर से। देखिए जैसे मैं विष्णु भैया को मानता हूँ उसी तरह भौजी को भी मानता हूँ, और मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। सही है आप मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आप बोल सकते हैं, सत्य का साथ देंगे असत्य का साथ देंगे, यश के कहानी से नहीं। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे देखिए जो भाभी हैं अश्लीलता पे लड़ रही हैं, हाँ। और हम भी उसी पे लड़ रहे हैं। देखिए अश्लीलता जो है एक हद होती है, लेकिन हद पार कर गए थे, इसकी वजह से विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा। भौजी जी का क्या कहना चाहेंगे, एक नाम है आपका भी, बहुत जल्दी आप YouTube के क्षेत्र में अपने चैनल को ग्रोथ किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पीजी न्यूज पे और सारे चैनल में दिल से प्रणाम। भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम यही चाहेंगे, पहली बात तो हम चाहेंगे आप लोग लड़ना झगड़ना बंद करें, और दूसरी चीज जो अश्लील वीडियो बन रहा है उस पर रोक लगना चाहिए, चाहे हम हो और चाहे ये हो चाहे कोई भी, कोई भी हो, अश्लील वीडियो नहीं बनना चाहिए। पर देखिए अश्लील वीडियो रोकने के लिए उल्टा सीधा बात हमको करके नहीं हम रोक पाएंगे, समझा के रोक पाएंगे, उसको बता के रोक पाएंगे। पर गोरखपुरिया भौजी ने दो बात बुरा बोला, एक बात तो हमको नहीं बुरा लगा, मगर कल रात में जो वीडियो बना, यहाँ वाली बोले यहाँ वाली, हाँ दो बात मुझे बहुत बुरा लगा उनकी बात। उन्होंने बोला हम सालू यहाँ तो गए थे, एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी में इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ अश्लील लोग आए थे, सिर्फ अश्लील लोग ही आए जी, अश्लील लोग आए थे इसलिए हम वहाँ नहीं गए। दूसरी बात, कल रात को उन्होंने वीडियो बनाया विष्णु की, यहाँ वो जाएगा जो ऐसे करवाता है। सालू जी को जरा आगे करिए, यश के साहनी, सालू जी को माइक जरा सालू के पास ले जाइए। एक मिनट, हाँ बोलिए, हमारा कहना मतलब बोलिए बोलिए बोलिए, गोरखपुरिया भौजी को बता देना चाहते हैं, सुन लीजिए, मैं अयोध्या का हूँ, श्रीराम जी की नगर, मैं गायक हूँ, मैं किसी तरह ब्लॉगर नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, विष्णुराज मुझे न्योता दिए हैं सम्मान से, एक महीने मुझे बुला रहे हैं, अगर ये कहेंगी कि वहाँ जो जा रहे हैं गंदे लोग जा रहे हैं ऐसे ऐसे करवा ले, तो गोरखपुरिया भौजी ठीक नहीं पड़ेगा। जे जे। ये मेरा चैलेंज है, जे जे जे। जो करना वो कर सकती है, सुनिए हमारी वीडियो उठा के देख लेंगे, मेरा 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर है, मैं गायक हूँ, हमारी वीडियो चंदा भाई ब्लॉग को देख लीजिए, असली कोई वीडियो कर पा जाएंगे। आवाज के क्षेत्र में बंद कर, आवाज के क्षेत्र में आपका एक नाम आता है। सालू जी अगला सवाल आपसे है कि गोरखपुरिया भौजी अपने वीडियो के जरिए ये बता रही हैं, रुक जाइए जरा सवाल सुन लीजिए उसके बाद बोलिए। यस सालू जी बोलेंगे, वो कह रही हैं कि यूट्यूब के क्षेत्र में सबसे पहले हम आए हैं, उसके बाद सब लोग मेरी नकल करके आगे बढ़े हुए हैं, इस पे सालू जी आप क्या कहना चाहेंगी? बताइए आप, बताइए बताइए सालू जी। नहीं देखिए बात गलत है, कोई किसी का नकल कॉपी करके नहीं आता है। देखिए अगर मान लीजिए अगर उनका कॉपी करते तो उनको देख के हमने पैदा हुआ है, उनके देख के शादी किए हैं, उनको देख के खाना खाते हैं, एक गलत बात है, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा कोई हो, ये मत कहिए कि कॉपी कर रहे हैं, और जिसके पास जितना टैलेंट है वो अपना काम कर रहा है। और भाभी का एक बात हमको भी बहुत बुरा लगा है, जो भाभी बोली है कि जो भी जा रहे हैं सब नचनिया है, बहुत बुरा लगा, ये बात हमको बुरा लगा। वो भी बोली, देखिए भाभी जो है वो भी तो डांस करती हैं,
सही बात, इसके मतलब वो भी नचनिया है ना। नचनिया है कौन नहीं, सब नचनिया है। कौन डांस कौन करती है नहीं, कौन ऐसा है जो नाचते? पहला नचनिया कृष्ण भगवान, दूसरा नचनिया शंकर भोला, क्या बात, तीसरा नचनिया नेताजी है, जिसमें सारी दुनिया हारी। जी जी, तो फिर उसका मतलब ही क्या है? और देखिए ये बात उनकी अच्छी लगी कि अश्लीलता की जो विरोध कर रही है, और सबको करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर एक एक लोग जुड़ेंगे अश्लीलता के ऊपर वो बढ़। चंदा भाभी जात जवाब का काबू लगाओ, लगाओ, लगाओ। वीडियो बंद करने के लिए सब यूट्यूबर को गंदे शब्द थोड़ी नहीं यूज किया जाता है, सही बात है। अश्लील गंदे शब्द यूज करने के लिए हम अश्लील नहीं छोड़ देंगे, जो हम अश्लील बनाते होंगे तो उसको समझाया जाए, उसके उसको बैठ के ना उसको फोन करके ना उससे मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दीजिए। चलिए मीडिया से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग फिर एक एक खबरें यहाँ की दिखाते रहेंगे, और बहुत सारे ब्लॉगर यहाँ पे आए हैं मिलने की कोशिश करेंगे। एक बात चाहती हूँ जी जी, बोल दीजिए। गोरखपुरिया भोजी से निवेदन है कि ये गंदी शब्द हर जगह ना यूज करें, कि सब लोग जहाँ जाते हैं अश्लीलता है, सब में सब आ जाते हैं। नहीं, जिनको बोलना है अकेले नाम लेके, नाम लेके बोलिए, जिनको बोलना नाम लेके, नाम लेके बोलिए। उनको इतनी हिम्मत है, उनको इतनी हिम्मत है, वो कहती है ना कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे ये है वो है, उनके इतनी हिम्मत है। वो अरे भूहार होकर केवट के साथ रहती हूँ, उनके लिए अपने गांड में दम है, तो नाम लेके सबको गरिया है, और ना किसी को कुछ कहेंगे तो गांड में घुसेड़ देंगे। चलिए चंदा भाभी यहाँ पे जो है उसको